आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ मीठे में लड्डू। तो हम बनाएंगे सूजी से। तो यहाँ पे मैंने पैन को रख दिया है, तो पैन को हम गरम कर लेते हैं। गैस को मैंने ऑन कर लिया, तो पैन हमारा गरम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, सॉरी तेल नहीं है, देसी घी है। तो देसी घी डालने के बाद यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट काटे थे, तो दो भागों में किए थे, तो वो डाल देते हैं। तो इसे भी हल्का ही रोस्ट कर लेते हैं, तो इसे निकाल लेते हैं। हल्का रोस्ट हो चुका है, तो इसी घी में हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी सूजी लिया है, तो इसे डाल देते हैं। तो इसे अच्छे से चला के हमें अच्छे से लाल कर लेना है, चला चला के। तो मैंने बहुत समय तक चलाया था, इसलिए मैं इसको फॉरवर्ड में कर दी थी। तो यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर, तो यहाँ पे डाल देते हैं। इसे भी मिक्स कर लेते हैं और इसे भी हम चलाते हुए हल्का सा लाल कर देंगे। तो हमारा सूजी लाल नहीं हुआ था, तभी हमने मिल्क पाउडर डाला था। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ चीनी का बुरादा। तो अगर चीनी का बुरादा नहीं है तो आप घर पे भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है गरी का बुरादा, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे और चीनी को भी अच्छे से चला चला के हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमारा हो चुका है रोस्ट। तो यहाँ पे मैं उतार के साइड में कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट डाला है, तो इसे हल्का गर्म रहेगा तभी हमें बांधना है, नहीं तो जो हमने चीनी डाला है इसमें जमने लगेगा। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल के इसे भी चला के फिर हम इसका लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थाली ले लिया है बड़ा सा, तो इसी में हम थोड़ा हल्का ठंडा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ भी जल जाएगा, तो केयरफुली से करना है। इसे ले चलते हैं पंखा के नीचे, थोड़ा ठंडा होता रहेगा। तो मैं अपने कमरे में आ गई हूँ यहाँ लेके। तो इसे धीरे धीरे हम बांधते रहेंगे, हवा लगते रहेगा। तो इसी तरीके से हमें बांधना है, थोड़ा दबा दबा के। तो आप लोग देख सकते हैं पहला मैंने बना लिया है लड्डू, तो दूसरा भी इसी तरीके से बनाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं जमने लगा है, तो इसीलिए हम इसे पूरा करके हाथ से फिर हम बना रहे हैं। तो इसी तरीके से सारा ही बना लेंगे। तो सूजी की जो लड्डू था हमारा बन गया। तो मैंने कितना झटपट बनाया आप लोगों ने देखा। तो बस इसको टाइम लगता है भूनने में ही, और तो ये बहुत जल्दी ही बन जाता है। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये कभी ख़राब जल्दी नहीं होता है। तो आप लोग भी ट्राई करना। लंबी वाली बीन्स, उसकी सब्जी बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स लड्डू हमारा बन गया, सब खा रहे हैं, बहुत अच्छा बना है। कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स दोपहर हो चुकी है और धूप आप देख सकते हैं, बहुत तेज की धूप है। और सारा काम हमारा हो गया, खाना हमने बनाया था, आज बोड़ी खा ली, सारा काम हो गया है। और लड्डू हमने रखा था अपना हिस्से का, तो मैंने वे भी खाया, बहुत अच्छा लड्डू बना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शाम हो गई है, कोमल ड्राइंग कर दी है। तो कैसा लग रहा है कोमल का ड्राइंग? तो ये उल्टा है। तो ये कैसे है ड्राइंग, कैसी लगी थी आप लोग को? आप लोग ने बताया नहीं। तो फ्रेंड शाम हो चुकी है, तो इस ब्लॉग के लिए पेंट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, फिर लाइक जरूर करना। तो यहाँ पे भी एक कैबिन बन गया, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके का यहाँ पे ये एक दरवाजा है, यहाँ पे शीशा लगेगा, फिर एक दरवाजा ये है। और यहाँ पे तो शीशा भी लग गया, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बहुत घुसने वाला भी दिखाई दे रहा है।
तरफ से लग गया।